देखो, करंट अफेयर को लेकर जहाँ तक सवाल है, तो आज के समय में यूपीएससी की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें काफ़ी डायनेमिज्म है, जी तो सर, आपको करंट पे अच्छी कवर की ज़रूरत होती है। इसको लेकर एक तो आप न्यूज़पेपर पर जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी खुद की एनालिटिकल एबिलिटी बेहतर होती है। अब हिंदी माध्यम में यही समस्या आती है कि हिंदी माध्यम के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो शायद उस स्तर के नहीं है जो चीज़ों को कवर कर सके यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हमारी जो निर्भरता है कहीं ना कहीं इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर है उस पर हो जाती है, और इसलिए हमें हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस उसमें से किसी एक न्यूज़पेपर को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जो मैं सलाह दूंगा। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव गाइस। आज हमारे साथ में प्रिंस कुमार, ऑल इंडिया रैंक 46 हैं। तो आज यानी कि हिंदी मीडियम से हैं सर, तो आज इनकी पूरी स्ट्रेटजी, इनकी बुक लिस्ट और जितने जितने चीज़ें की ज़रूरत है यूपीएससी में या फिर हिंदी मीडियम की जो चीज़ों की ज़रूरत है, अगर मेन फोकस किया जाए हिंदी मीडियम पे, तो आज पूरी जर्नी सर के साथ में जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पर आने के लिए। जी, धन्यवाद। सर सबसे पहले सर मैंने तो बता दिया कि प्रिंस कुमार आपका नाम है, आप बिहार से आते हैं सर, तो आपने मतलब प्लान कब किया, आपने सोचा कब कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि तो भाई अदर फील्ड है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, बहुत से प्रोफेशन हो सकते हैं, लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि मुझे यूपीएससी ही करना है। जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, जी तो उस दौरान मैंने सोचा था कि मुझे अब यूपीएससी के फील्ड में जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर काम करना है, तो ये मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मैंने डिसाइड किया था। ओके सर, तो सर सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर। मेरा चयन तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है। इससे पहले मैं 2 बार अटेम्प्ट दिया था। पहली बार मैं मुख्य परीक्षा में सफल हुआ था, दूसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके सर, तो सर जैसे बुक लिस्ट की बात आते हैं, तो सर स्पेशली जो है एनसीईआरटी पे आपके कहना चाहेंगे, लोग को मतलब बहुत वो होता है हिंदी मीडियम के साथ में, इंग्लिश मीडियम के साथ में, ये एक डर मतलब पैदा होता है कि नहीं एनसीईआरटी करना है, लाइक पॉलिटी करना है, लक्ष्मीकांत करना है और अदर सोर्सेज हैं, विजन करना है, तो आप दृष्टि करना है, तो आप पे यानी एनसीईआरटी पे आप क्या बोलना चाहते हैं सर। एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है जिसके आप कनेक्ट करने में वो आपको मदद करता है, कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड बुक है, और तो उसको पढ़ पे आपकी जो समझ अच्छी हो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एक मिथ हो सकता है कि सारे क्लास में 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एनसीईआरटी के मामले में आप कुछ सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो 9 to 12 पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है, जैसे रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, उनकी एनसीईआरटी अच्छी है। तो थोड़ा सा इस पर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हिस्ट्री चीजें मिल जाएंगी, तो वहां से आप थोड़े से सिलेक्टिव होकर पढ़ सकते। आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है, तो हिस्ट्री के लिए स्पेशली हम क्या करें सर। हिस्ट्री को लेकर जो मैंने किया था वो है कि जो 3 एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है, रामशरण शर्मा, बिपिन चंद्रा, और उसको पढ़ा था। इसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी थी और जो मेरे क्लास नोट्स थे उसको साथ में पढ़ा था। तो ये मेरी जी पूरी जो सर, और सर ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में मैं के लिए, चूंकि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो वो मैं वहां से कवर किया जी था। जी सर, और सर GS2। GS2 में जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए लक्ष्मीकांत। इसके अलावा मेंस 365 से आप जो मेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स है उसको कवर कर सकते हैं। IR करंट अफेयर और मेंस 365 से कवर कर लीजिए, और जो गवर्नेंस और सोशल इश्यूज होते हैं तो गवर्नेंस को आप विजन की प्रिंटेड मटेरियल या फिर गूगल करके, अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ों ओके को गूगल करें और उससे अपना एक ओके नोट्स बना ओके लें। सर, और GS3 और GS4 की बात की जाए सर, तो मतलब मटेरियल कहाँ से ढूंढा जाए, क्या सफिशियंट है, क्या नहीं, एक जैसे पढ़ना है द हिंदू पढ़ना है, दैनिक जागरण पढ़ना है, तो ये एक हिंदी मीडियम के साथ समस्या आती ही आती है कि जैसे बहुत लोग क्या होते हैं हिंदी मीडियम के होते हैं, तो वो इतर यानी यहाँ से कि करंट अफेयर से इतर हो जाते हैं, जैसे दृष्टि की मैगजीन है, विजन की मैगजीन है, लाइक संस्कृति की मैगजीन है, बहुत सारी मैगजीन आती हैं, उसके बावजूद फिर ये मतलब हिंदी मीडियम में होते हुए भी ये द हिंदू को प्रेफर करते हैं, तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि द हिंदू को ही करना सफिशियंट है या उसके साथ में कोई और। देखो, करंट अफेयर को लेकर जहाँ तक सवाल है, तो आज के समय में यूपीएससी की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें काफ़ी डायनेमिज्म है, जी तो सर, आपको करंट पे अच्छी कवर की ज़रूरत होती है। इसको लेकर एक तो आप न्यूज़पेपर पर जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी खुद की एनालिटिकल एबिलिटी बेहतर होती है। अब हिंदी माध्यम में यही समस्या आती है कि हिंदी माध्यम के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो शायद उस स्तर के नहीं है जो चीज़ों को कवर कर सके यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हमारी जो निर्भरता है कहीं ना कहीं इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर है उस पर हो जाती है, और इसलिए हमें हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस उसमें से किसी एक न्यूज़पेपर को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जो मैं सलाह दूंगा। और मैगजीन्स के जहां तक प्रश्न है, तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं या फिर उसका अर्ली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं। तो अगर आप विजन पढ़ना चाहिए या फिर कोई और भी मैगजीन्स, तो एक मैगजीन पढ़िए और उसका या फिर उसका अर्ली कंपाइलेशन, जैसे मैं प्रीलिम्स के समय BT 365, मेंस के समय मेंस 365, वहां से चीजों को कवर करने का प्रयास करता था। ओके सर, तो सर ये तो भाई मतलब आपका करंट अफेयर हो गया। अब अभी 2023 में मतलब मेंस का 23 में मतलब डेट भी आ गई है, प्रीलिम्स का, तो सर प्रीलिम्स पे आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में इतनी बुक पढ़ी जाए, क्या कहाँ से सोर्सेस क्या लिया जाए प्रीलिम्स के। देखिए,
अभी अगर आप देखें, अगर कोई भी स्टूडेंट, तो जो सोर्स है वो लिमिटेड रखने की कोशिश की जानी चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में एक स्टैंडर्ड बुक है और एनसीईआरटी है, तो उसी को फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, डीडी बसु भी पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों से बचना है। अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के उसको कवर कर सकते हैं, तो मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिविजन के स्ट्रेटजी पे काम करना है। और सवालों को ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स में लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो प्रीलिम्स का पूरी प्रक्रिया है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, ऐसे में आपको अपने एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके सर, सर मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें क्या डिफरेंट होता है दोनों में? जैसे आप मॉक लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, तो उसमें क्या आपने क्या डिफरेंट पाया इन तीन अटेम्प्ट में सर? देखिए यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर आपके हाथ में होने चाहिए एकदम, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं पढ़ोगे तब तक आप ट्रेंड का एनालिसिस नहीं कर सकते। और बिना ट्रेंड के समझे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसी के अनुसार पढ़ाई करो। और मॉक का जहां तक सवाल है, तो मॉक कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी को जांचने का एक मौका देता है कि आप वहां पर अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप एलिमिनेशन को किस तरीके से बेहतर बनाएं, ये आप मॉक लगा के कर सकते हैं। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वीक जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, और आप उसमें फिर उस अकॉर्डिंग चीजों को सुधार सकते हैं। हाँ सर, तो ये तो बात रही सर मॉक और प्रीवियस ईयर की। सर जैसे कि पिछले मतलब 2 साल कबल अगर आप पीछे जाएंगे तो जीएस में हिंदी मीडियम का रिजल्ट ग्राफ हल्का सा डाउन हो रहा था, लेकिन अभी इस साल जो है 2021 का रिजल्ट आया, आप उसमें सेलेक्ट हुए, तो सर जीएस का मतलब काफी अच्छा रिजल्ट रहा, तो वहाँ पे मतलब मेंस आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से टेक्निकल वर्डों को वहाँ पे समझा जाए, लिखा जाए और एक्सप्रेस किया जाए, फ्लो चार्ट डायग्राम आप किस तरीके से करते सर? देखिए आंसर राइटिंग जो है वो मेंस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपका पहचान है वहाँ पे। तो इसलिए हमें आंसर राइटिंग पे स्किल जो है उस पे काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप जो चीज भी एक्सप्रेस करना चाहते हो वो अच्छे ढंग से वहाँ प्रेजेंट कर पाए उसको। इसके लिए सबसे पहली जरूरी तो यह होती है कि आपके पास एक अच्छी रिविजन हो और ये अच्छे नोट्स हों जिससे आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके चीजों को लिख सकें। दूसरा होता है कि प्रेजेंटेशन के स्तर पर हमें क्या करना है, बुलेट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा डायग्राम्स, थोड़े से मैप्स, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं आंसर्स में। तो उसके लिए आप किसी टॉपर्स की कॉपीज को, अलग अलग कोचिंग्स के वेबसाइट पर जो कॉपीज भरे हुए हैं उसको डाउनलोड कीजिए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिखना शुरू। हाँ जी सर, अभी मेंस में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो सर अभी डैफ भरा जा रहा है, तो उस पर आप डैफ पे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डैफ को भरा जाए सर? डैफ को फिल करते वक्त तो एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अननेसेसरी चीज़ों को भरने से बचना चाहिए। कई बार लोग ढाई उसको भरते वक्त अननेसेसरी अचीवमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो कई बार ऑनेस्ट नहीं होती वो भर देते हैं, तो आपको थोड़ी सी ऑनेस्टी रखनी है, क्योंकि आप जो कुछ भी भरेंगे उससे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो आप इसको ध्यान में रखें कि जो भी आप भर रहे हैं वो इतना हो कि आप उसको प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे सवाल भरे जाएंगे। थोड़ी इंटरेस्टिंग अगर चीज़ें अगर आप भर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि डैप फिल करते वक्त ऑनेस्टी को ध्यान में रख के चीज़ों को भरिए तो वो ज़्यादा बढ़िया। जी सर, सर ये तो डेफ की बात होगी, तो इंटरव्यू जब आप इंटर करते हैं वहाँ पे, तो आप बोर्ड मेंबर होते हैं साथ में भाई, उनका एक्सपीरियंस इतना होता है, तो वहाँ पे वो किन चीज़ों को जज करते हैं कि नहीं इसको भाई सिलेक्ट करना है नहीं, तो उनके ऊपर होता है वो तो भाई, लेकिन आप जो है मतलब किस तरीके से देखते हैं कि वहाँ पे आप इंटरव्यू में गए भी, आप सिलेक्ट भी हुए, तो वहाँ पे जो घबराहट सी भी होती है, तो आप वहाँ पे कैसे देखते हैं कि सर किस तरीके से वहाँ पे आपको आंसर देना है, क्या है उसके बारे में सर? देखिए घबराहट एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराया होता है, लेकिन अगर आप जब एक बार अंदर जाते हैं तो उसके कुछ मिनट के अंदर आप नॉर्मल हो जाते हैं, वहाँ पर एक सामान्य बातचीत ही करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और आपसे एक सामान्य बातचीत करके आपकी पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर होना ये चाहिए कि हमें ऑनेस्ट रहना है इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस में, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें वीक मतलब कुछ भी इस तरीके से हमें नहीं सोचना है कि अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो आप ऑनेस्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जो भी आपसे बातचीत किया जा रहा है उसको अच्छे ढंग से करने की कोशिश करिए बस। जी सर, तो सर ये तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी जर्नी रही सर, अब आप आपके ऊपर आते हैं, यानी हमारा लगभग लगभग सेशन एंड की तरफ भी है, और सर आपने इन 3 सालों में वन फैमिली को इतना मतलब वो नहीं होता है कि एक इंसान यहाँ पे रह क्या, और वो सब, तो सर इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और यहाँ पे मुखर्जी नगर में आना या फिर घर पे रह के प्रिपरेशन करना, क्या आजकल के दौर में क्या संभव है सर? जैसे कि मैं आया था निश्चित रूप से तो मैं यहाँ हूँ, और ये अफोर्डेबिलिटी है कहीं ना कहीं एक इशू है, बट क्या हुआ है कि पोस्ट कोविड के बाद डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है एजुकेशन सेक्टर्स में,
और उसकी वजह से डिजिटल एजुकेशन की रीच जो है ना रूरल एरिया तक हो चुकी है, जो शायद जब मैं तैयारी शुरू किया था 17-18 कह रहा हूँ तो उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वैसे स्टूडेंट जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो उनसे उनके सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप अगर किसी अन्य शहर में हैं, गांव में हैं, तो आप वहां से भी चीज़ों को कर सकते हैं। बस सही स्ट्रेटजी, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रख के और कुछ टॉपर्स के वीडियोस और उसको देख के आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो सफलता मिल सकती है निश्चित रूप से। ओके सर, सर कोचिंग आपकी जिंदगी में कोचिंग कितना रोल, मतलब कोचिंग आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस दिया, क्या रोल रहा कोचिंग का? मैं जब आया था तो मुझे चूंकि बहुत आइडिया नहीं था कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, तो मैंने कोचिंग की थी। कोचिंग से एक अच्छी चीज़ें होती है कि आपको बेसिक्स चीज़ें समझ में आ जाती हैं अगर आपकी, तो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होती है। बट फिर उसकी एक कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि टाइम्स बहुत लग जाते हैं आपको चीज़ों को करने में। तो मेरा ये मानना है कि कोचिंग आपकी सफलता का कोई निर्धारक नहीं है। आप कोचिंग करते हैं तब भी आपकी सफलता की संभावना उतनी ही है जितना आप कोचिंग किए बिना, तो उससे आपके सक्सेस रेट्स में बहुत फर्क नहीं पड़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है या फिर तो एक वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, बट इसके अलावा नहीं, आप सेल्फ स्टडी से भी चीजों को कर सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। और सर मैं एक शेयर के साथ मतलब अपने सेशन को एंड करता हूँ कि तूफा कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफा कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और लोग समझ रहे थे कश्ती भंवर में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।